देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एनसीसी के बच्चों ने किया कोविड-19 व मतदाता को किया जागरूक। आवासीय राम सेवक यादव स्मारक इंटर कॉलेज बाबा बाजार भवानीपुर रुदौली अयोध्या ने दिनांक 2 फरवरी 2022 को बाबा बाजार स्थित आवासीय राम सेवक यादव इंटर कॉलेज में नया भारत दर्पण समाचार के माध्यम से एनसीसी कैंडिडेट ने कोविड-19 व मतदाता जागरूकता के बारे में सभी दर्शकों को विशेष जानकारी दी। इस अवसर पर एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट जेपी यादव, कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री राम सतन यादव, प्रशासनिक अधिकारी श्री एलबी यादव, राजेश सिंह यादव सहित एनसीसी के बच्चे रहे मौजूद। अमरनाथ की रिपोर्ट। टीम मौजूद है एनसीसी कॉलेज में, राम सेवक स्मारक इंटर कॉलेज, जो आपको पता है कि कोविड को देखते हुए सारे कॉलेज स्कूल बंद चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो पीछे स्टूडेंट देख रहे हैं आप, ये एनसीसी के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं। तो आइए हम सीधे आपको रूबरू करवाते हैं एनसीसी के स्टूडेंटों से, ठीक है ना? तो आइए, क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम सृष्टि है। जैसा कि आपको पता है कि कुछ ही दिनों के बाद मतदान होने वाला है, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहती हैं दर्शकों? मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हमें मतदान करते हुए हमें अपने जो कोविड-19 चल रहा है हमें इसका पालन करना चाहिए। जो गवर्नमेंट की तरफ से मतलब जो बताया जाता है हम लोग को, हमें उसका पालन करना चाहिए कि हमें कोविड-19 से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, उसका हमें उस मतलब उस चीज़ उसको मतलब अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आपने सुना। क्या नाम बेटा आपका? सर अंशु तिवारी। अंशु तिवारी, कोविड के प्रति जैसा कि आपको समझ रही हैं, कोविड अब हमारे देश में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन अयोध्या जनपद में जो उसका ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को जागरूक करने के लिए आप जो हमारे दर्शक हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? कोविड-19 का जिस तरह से फैल रहा, अगर इसी तरह फैलता रहा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमें इसे दूर करने के लिए अपने आप से मतलब खुद में स्वच्छता रखना चाहिए और अपने खुद के हैंड वॉश करना चाहिए और 2 गज की दूरी बनाए रखें और नियमित रूप से मतलब दूर रहें सबसे और ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाएं। वेरी गुड बेटा। हमारे साथ और इसके स्टूडेंट हैं, क्या नाम बेटा? अनीता यादव। अनीता यादव जी, आप हमको ये बताइए, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने एनसीसी कोर्स ज्वाइनिंग किया है, तो एनसीसी कोर्स ज्वाइनिंग का लक्ष्य क्या है, उसको जो जुड़ा है एनसीसी कोर्स करने के लिए, तो उसका क्या लक्ष्य है हमारे दर्शकों को बताएं? हमने सपने को साकार करना चाहते हैं और मतलब कि जैसे जॉब है, वायुसेना, नौसेना और थल सेना में छूट मिलती है, इसलिए। अच्छा, एनसीसी का जब आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा तो किस एजेंसी में जाना पसंद करेंगी आप? नौसेना में। वेरी गुड, अच्छी बात है। तो बने रहिए नए भारत दर्पण समाचार के साथ, ऐसी खबरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे। एनओ मतलब एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर राम सेवक इंटर कॉलेज 2000 65 बटालियन से बिलोंग करता हूँ जी। सर, हमारे दर्शकों को ये बताएं, जो हमारे स्टूडेंट हैं 11-12 पास करने के बाद एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कैसे करें, क्या उनकी कोई लिमिट होती है? जी, जैसे कि आप लोग जानते हैं, एनसीसी ज्वाइन करने के लिए हमें एनसीसी दरअसल में 3 डिवीज़न होती हैं, 2 डिवीज़न होती हैं एसडब्ल्यू और एसडब्ल्यू। एसडी मतलब सीनियर डिवीज़न और जेडी होता है जूनियर डिवीज़न। जूनियर डिवीज़न जो होता है वो 8th to 10th तक रहता है और एसडी 11th to 12th या डिग्री कॉलेज में भी जाता है, सीनियर डिवीज़न होता है। लेकिन इंटर कॉलेज में एनसीसी 2 साल की होती है, डिग्री कॉलेज में एनसीसी 3 साल की होती है। एनसीसी ज्वाइन करने के लिए बच्चों को फिजिकल टेस्ट देना पड़ता है और रिटन टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें उनको दोनों में पास होना जरूरी होता है। और जैसा कि जो जेडी होती है, जिसे हम लोग जूनियर डिवीज़न कहते हैं, उसको जो बच्चा उसको प्रमाण पत्र प्राप्त करता है उसमें उसको 5 अंक का सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। और सीनियर डिवीज़न में जो इंटर कॉलेज की एनसीसी होती है उसमें 10% का सर्टिफिकेट मिलता है, और जो एसडी होती है डिग्री कॉलेज की उसमें सी सर्टिफिकेट मिलता है, वो 15 नंबर का वेटेज मिलता है।
और बच्चों को इससे उनका फिजिकल सही रहता है, एनसीसी ज्वाइन करने से उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, इस तरह से उनका बौद्धिक विकास, हर तरीके का विकास इससे होता है और उनको भविष्य में प्रत्येक सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट कंपनियों में उनको इस बेनिफिट मिलता है। जो आने वाले टाइम में इलेक्शन होने वाला है, जैसा कि जैसे जितने भी युवा हैं हमारे जैसे युवा मतलब जनरेशन में जो मतलब वोट के मामले में, तो उन्हें समझना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और अपना जो मतदान है वो सही व्यक्ति को दें, ऐसे व्यक्ति को दें जो मतलब आने वाले टाइम में जनरेशन में हम लोगों के युवाओं के लिए सोचे और क्या बोलेंगे, वोट ऐसे व्यक्ति को दें जो आने वाले सक्षम कार्यों को देखे और हमें अपना मतदान जो है बेकार नहीं करना है, हमें अपने वोट को जो है वोट करना है, चाहे किसी को भी दें, अपना मत बेकार नहीं करना। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।